अस्सलाम वालेकुम, मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। आज मैंने क्रिसमस के लिए प्लम केक बनाया है। इस रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। हम एक बोल लेंगे एंड उसके अंदर हम हमारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, बादाम, कैशू नट्स, किशमिश, अखरोट, थोड़ी सी खजूर, चेरीज, ब्लैक किशमिश और थोड़ी सी मिक्स टूटी फ्रूटी एंड थोड़ी सी रेड टूटी फ्रूटी। अब इन सबको हमको ऑरेंज जूस में सोक करना है। ये 1 ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस था। आप कोई भी जूस ले, जूस जैसे कि ग्रेप्स जूस हो गया, पाइनएप्पल जूस, नॉट नेसेसरी कि हमको ऑरेंज जूस ही लेना है। कोई भी जूस में इसको सोक करना है 1 आवर के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप 2 से 3 घंटे के लिए भी इसको सोक कर सकते हैं। भी मोस्टली अल्कोहल में बनती है, बट जो अल्कोहल नहीं कंज्यूम करते हैं वो कोई भी फ्रूट जूस में इसको सोक कर सकते हैं। इसको लेड लगाकर 1 आवर के लिए सोक होने दें। मैं कैरेमल प्रिपेयर कर रही हूँ। ये 1 टेबल स्पून है, इससे मैं 6 स्पून ऑफ शुगर डालूंगी इसमें। गैस के फ्लेम को लो रखना है, हमें इसको अच्छे से कैरेमलाइज करना है। इस प्रोसेस में हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू लो पर ही रखना है, वरना कैरमल जल जाएगा। अब हमारी शुगर कैरमलाइज हो गई है। जब कैरमल की ऐसी वाली कंसिस्टेंसी हो जाए तब हम इसमें उसी चम्मच से 3 से 4 स्पून पानी डाल देंगे एंड इसको मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पे हमको इसको अच्छे से मिक्स करना है। कैरेमल लिक्विड एकदम तैयार है। अब इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। जिसको कढ़ाई में बनाओगी, अगर आप ओवन में बना रहे हो तो 180 डिग्री सेल्सियस पे हमें इस केक को बेक करना है। बट कढ़ाई के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई लेंगे, उसमें हम सॉल्ट डालेंगे। ये नॉर्मल जो हम खाने के लिए सॉल्ट यूज़ करते हैं ये वो है। सर रेड इसलिए हो गया है क्योंकि मैं इसको पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ बहुत बार। इसके ऊपर एक स्टैंड रखेंगे, आपके पास अगर स्टैंड नहीं है तो स्टील की कोई प्लेट भी चलेगी। एंड इसको इस तरीके से एक बड़े से बर्तन से ढक देंगे और 10 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। हम केक का बैटर बनाएंगे, उसके लिए मैंने 1 कप ऑफ मिल्क लिया है। इसके अंदर मैं 6 स्पून ऑफ ऑयल डालूंगी एंड इसको अच्छे से हम पहले एक मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून वेनिला एसेंस डालेंगे। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून जायफल है, इसको नटमैग से भी जाना जाता है, ये डाल देंगे। 1/2 स्पून दालचीनी का पाउडर डालेंगे एंड 1/4 जिंजर पाउडर डालेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस वाले केक में ये सारे स्पाइसेस जाते हैं। अब एक छन्नी ले लेंगे एंड उसके उसमें मैंने इसी वाले कप से 2 कप मैदा लिया है, तो ये 2 कप मैदा डाल देंगे। 1/4 कप मिल्क पाउडर डालेंगे, 1/2 कप शुगर डालेंगे, ये पिसी हुई शुगर है, और 1 स्पून कोको पाउडर डालेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम सीव कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक ही डायरेक्शन में हमको अच्छे से मिक्स करना है। इसको हमने ड्राई फ्रूट्स को सोक होने रखा था, अब ये मैं इसमें डाल दूंगी। हमारा कैरमल डाल देंगे,
एंड इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 स्पून बेकिंग पाउडर जाएगा और 1/2 स्पून बेकिंग सोडा जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून विनेगर डाल देंगे। लास्ट में विनेगर डालना है और इसको जल्दी से मिक्स करके हमें इसको मोल्ड में डाल देना है। अच्छे से मिक्स करना है विनेगर डालने के बाद। बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। ये मैंने रेक्टेंगुलर टिन लिया है, केक टिन, आप कोई भी शेप का टिन ले सकते हैं। एंड मैंने इस पर बटर पेपर लगा के इसको ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें हमारा बैटर डाल देंगे। इसको ऐसे 2-3 बार टैप करना है एंड फिर एक टूथपिक से इस तरीके से हमको अंदर मिक्स कर देना है। एंड अभी हम इसको कढ़ाई प्री हीटेड हो चुकी है, अब इसमें मैं ये टिन को अच्छे से रख दूंगी और ढक्कन लगा दूंगी। इसको ढककर हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए बेक करना है एंड फिर 1/2 आवर के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे उसको बेक करना है। चुके हैं, अभी मैं ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रख दूंगी। पहले नहीं डालना है क्योंकि वो बेकिंग के वक्त नीचे सेटल हो जाएंगे। तो ये थोड़े से आलमंड्स थे, कैशू नट्स थे और वॉलनट्स मैंने डाल दिया ऊपर से। और ये थोड़ी सी चेरीज है, ब्लैक वाली किशमिश है, वो थोड़ी सी डाल देगा। इसको ढककर 55 टू 60 मिनट के लिए मैं इसको बेक होने दूंगी। टूथपिन लेकर हमें चेक करना है कि हमारी टूथपिन क्लीन निकल रही है या नहीं। अगर क्लीन निकल रही है मतलब केक अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। कढ़ाई से निकाल लिया है, अभी इसको हम लोग कवर करके रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। डायरेक्टली इसको डीमोल्ड नहीं करना है वरना ये टूट जाएगा। मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको केक टिन में से डीमोल्ड कर लेंगे। देखिए आराम से डीमोल्ड हो चुका है, ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। ये पेपर निकाल लेके साइड से बटर पेपर, देखिए हमारा केक कितना ज्यादा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना है। इस तरीके से प्रेस करने पर ये ऐसा हो रहा है। मैं आपको ऊपर से भी दिखाती हूँ, देखिए इतना ज़्यादा फ्लफ़ी बना है ये।